हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम का जो डेट शीट है वो दे चुका है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी सीबीएसई जो कंपार्टमेंट डेट शीट दिया है, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का ही दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। आप देख लेना कि कौन कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, आप प्रॉपर उस डेट को नोट कर लीजिए और उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए और पेपर देना इस बार बहुत बढ़िया से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेंथ की। आप देख सकते हो टेंथ का जो एग्जाम स्टार्ट होगा 23 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगा और 10:30 से लेके 12:30 जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, ये है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक का होगा। उसके बाद दोस्तों वेडनेसडे को जो पेपर होगा 24 अगस्त 2022 को, वो सेम टाइमिंग है 10:30 से लेके 12:30, उसमें होम साइंस एंड संस्कृत होगा। दोस्तों जो सब्जेक्ट कोड है उसको लगाना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूँ 25 अगस्त यानी थर्सडे को जो होगा, उस टाइमिंग सेम है हमेशा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर होगा। दोस्तों फ्राइडे को यानी 26 को जो पेपर हो रहा है वो होगा साइंस का पेपर होगा, एंड 27 का जो पेपर होगा सोशल साइंस का होगा, एंड 28 को ऑफ है। 29 को जो पेपर होगा उसमें बहुत सारे पेपर है दोस्तों, हिंदुस्तानी म्यूजिक, पेंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी कोर्स ए, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, जितने भी लैंग्वेज है हमारा सारे, ये सारे लैंग्वेज पेपर होगा उसी दिन को, ठीक है। दैट मीन्स 29 अगस्त को। दोस्तों 29 अगस्त लास्ट डेट है किसका ना, जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे टेंथ क्लास के बच्चे। दैट मीन्स 23 से लेकर 29 तक टेंथ क्लास बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, स्क्रीन के आपको प्रॉपर दिख रहा होगा सब कुछ। दोस्तों उसके बाद बताता हूँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको जानना चाहिए, अब थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th क्लास बच्चों का कि कब पेपर होने वाला है, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊँगा कि 10th क्लास वालों का कि क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन सीबीएसई ने इस बार रेकमेंड किया है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हम 12th क्लास का। दोस्तों 12th क्लास का डेट इन्होंने बस एक ही दिया है, 23 अगस्त, उसके बाद कोई डेट दिया ही नहीं। दैट मीन्स 23 अगस्त को इन्होंने पेपर कराएंगे, टाइमिंग 10:30 से लेके 11:30 तक, और एक है 10:30 से लेके 12 तक, और सेम टाइमिंग है 10:30 से लेके 12 तक। दोस्तों इसमें आपको देख रहा होगा सारे म्यूजिक, मैं पढ़ देता हूँ सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहला जो पेपर होगा है ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट्स, भरतनाट्यम, डांस, म्यूजिक वगैरह बहुत सारे इसके अंदर है, ठीक है। और 10:30 से लेकर 12:30 में जो पेपर होगा, IT होगा, वेब एप्लीकेशन होगा, ऑटोमोटिव होगा, फाइनेंशियल मार्केट होगा, टूरिज्म होगा, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, ये सारे लिस्ट आप एक बार गो थ्रू हो जाना, इसको चेक जरूर करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों उसके बाद अगर बात करूँ, इसमें और सारे चीज़ें हैं जहाँ से आपको देखने को मिलेगा, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। 10:30 से लेकर 12:30 जो है, इंग्लिश इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव है, उर्दू इलेक्टिव है, संस्कृत इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, ये सारे पेपर आपके होंगे किसना ना 23 को। दोस्तों बढ़िया बात ये रहा है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके एक ही दिन में सारे पेपर खत्म हो जाएगा। 10th क्लास के बच्चे हैं वो 23 से स्टार्ट करके 29 तक जाता है, दैट मीन्स 23, 24, 25, 26, 27, 28 को ऑफ है और 29 को पेपर है। बड़ा ज़्यादा टाइम दे रखा है 10th क्लास का, आई डोंट नो क्यों दे रखा है, बट 12th क्लास के लिए बहुत सही है, इतने टाइम में कवर कर दिया उन्होंने। अब दोस्तों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो सीबीएसई ने इस बार रखा है बच्चों के लिए वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको हैंड सैनिटाइजर लेना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेना पड़ेगा, कैंडिडेट विल कवर देयर नोज माउथ, और सिंपल सी बात है मास्क पहनना पड़ेगा आपको, ठीक है, और अलग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा आपको, कर रखना पड़ेगा, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आपको सही ही पता, सारे चीटिंग वीटिंग नहीं होगा, एडमिट कार्ड प्रॉपर लेके आना और एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पढ़ना, डेट शीट और एडमिट कार्ड को आप ध्यान से देखना, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी गिवन इन द डेट शीट और एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 15 मिनट टाइम मिलेगा आपको रीडिंग टाइम का, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद फॉर द फर्दर अपडेट सीबीएसई ने ये बोला कि स्टूडेंट में विजिट www.cbse.government.in, दैट मीन्स इतना था सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया, आज ही जारी किया है। कोई भी आपका 10th में हो 12th में, फटाफट इसको डाउनलोड करें, और नहीं देखा तो मेरे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए आपका सब्जेक्ट किस डेट को है, उसी हिसाब से बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।